नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में पीईटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पीईटी में संविधान राज व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सामान्यतः जीएस में नहीं पढ़ाया जाता है, जिला प्रशासन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये सामान्यतः लोक प्रशासन का एक विषय है, एक टॉपिक है जो है, और उसी टॉपिक को आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ताकि यहाँ से पूछे जाने वाले सवालों को आप समझ सकें और उसका जो है सही उत्तर दे करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो जिला प्रशासन को जो है हम मूल रूप से जो 6 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम तो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय, ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक विकास और अगला है जिला कलेक्टर बहुआयामी नाम, अगला है विशेषताएं, भूमिका और पद सोपान। ये आपकी 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंट के माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन को जो समझने का जो प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन बेसिकली जिला और प्रशासन दो शब्दों से जो है मिलकर के बना हुआ है, जिला और प्रशासन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम प्रशासन में देखें तो जिला भौगोलिक और एक क्षेत्रीय जो इकाई है, जो भारत में प्रशासन में एक रूपता और उच्च स्तरीय प्रशासन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो है एक इकाई के रूप में स्वीकृत किया गया है। यानी कि जिले को जो है एक प्रशासनिक इकाई के रूप में देखा जाता है। और प्रशासन से तात्पर्य यह है कि बेसिकली अगर जिले स्तर पर देखा जाए तो सभी प्रकार के जो है सरकारी नियम, सरकारी योजनाओं को जो है क्रियान्वित करना तथा उन्हें लक्ष्य तक जो है पहुँचाना, यानी कि डिलीवरी ऑफ द सर्विस टू द टारगेट, यानी कि लक्ष्य तक उस जो है सेवा की जो सुपुर्दगी को सुनिश्चित करना ही जो है जिला प्रशासन का कार्य होता है। इसमें जिला प्रशासन के अंतर्गत इस तरीके से जो है निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय इत्यादि किया जाता है, जिससे कि सरकारी योजनाओं को सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाया जा सके। और यह काम चूंकि जिले स्तर पर होता है, इसलिए इस संपूर्ण व्यवस्था और क्रियान्वयन को जो है वो जिला प्रशासन के नाम से जाना जाता है। जिला शब्द जो है वो डिस्ट्रिक्ट से जो है निकला हुआ है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि न्यायिक प्रशासन। इसका शाब्दिक अर्थ भी हम आपको बता रहे हैं, न्यायिक प्रशासन के लिए बनाया गया, न्यायिक प्रशासन के लिए बनाया गया प्रदेश। प्रदेश का तात्पर्य यहाँ पे जो है राज्य से नहीं है, प्रदेश का तात्पर्य एक क्षेत्र से है, भौगोलिक क्षेत्र से है, और जिसे ही जो है डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। और यह बेसिकली जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये फ्रांसीसी भाषा का जो है शब्द है, कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट है, और जो स्वयं जो है लैटिन भाषा के शब्द जो है डिस्ट्रिक्टस से मिल करके जो बना हुआ है। और इसका क्या तात्पर्य है, डिस्ट्रिक्टस का न्यायिक प्रशासन के लिए बनाया गया क्षेत्र। तो जिला प्रशासन में जो है जिला शब्द जो है वो डिस्ट्रिक्ट का हिंदी रूपांतरण है, और ये डिस्ट्रिक्ट शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो डिस्ट्रिक्टस से जो है मिलकर के निकला हुआ है, और ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि न्यायिक प्रशासन के लिए बनाया गया प्रदेश। तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे समझ में आई होगी कि जिला प्रशासन में जो है जिला का जो है कैसे जो है उद्भव हुआ फ्रांसीसी भाषा के शब्द डिस्ट्रिक्ट से, और पुनः जो है डिस्ट्रिक्ट शब्द जो लैटिन भाषा के शब्द डिस्ट्रिक्टस से निकला हुआ है, और जिसका तात्पर्य न्यायिक प्रशासन के लिए बनाया गया प्रदेश।
बेसिकली यह इसका शाब्दिक अर्थ है। यद्यपि जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, इसकी भूमिका समय के अनुसार बदलती रही है, इसमें नए कार्य जोड़े जाते रहे हैं, नई चुनौतियां सामने आती रही हैं, इसीलिए इसका दायरा जो है हमेशा बढ़ता रहा है। कहीं पर साइबर के क्षेत्र में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, आपदा आ रहा है, चुनाव आ रहा है, ये सारे काम जो है जिले स्तर की इकाई के माध्यम से शासन जो है क्रियान्वित करने का जो है वो प्रयास करता है। तो ये चीजें आपको जिला प्रशासन का जो है शाब्दिक अर्थ जो है समझ में आया होगा कि जिला प्रशासन जो है वो शासन का जो है एक प्रशासनिक इकाई होता है, जहां से विभिन्न प्रकार की नीतियों को, विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यान्वयन को जो है क्रियान्वित करने का जो प्रयास किया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण इकाई है, प्रशासनिक इकाई है। तो ये थी जिला प्रशासन के बारे में एक जानकारी। ऐतिहासिक विकासकरण की अगर हम बात करें तो ये प्राचीन काल से ही जो है जिला का जो है उद्भव हो चुका था और जिला को प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है देखा जाता था, इसके माध्यम से प्रशासन को क्रियान्वित किया जाता था। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि उसका रूप और उसका नाम जो है अलग अलग रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को बनाए रखा था और उसमें एक निरंतरता को जो दिखाई पड़ता है। अब प्राचीन काल में, मौर्य काल में जो है अगर देखें तो यहाँ पर भी जो है इसके लिए जो है रज्जु शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, जिले के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद जो है हम जब मध्यकाल में आते हैं तो यहां पर जो है सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है, सरकार शब्द का प्रयोग किया गया जब हम मुगल कालीन शासन व्यवस्था पढ़ते हैं। और जब हम ब्रिटिश शासन काल में आते हैं तो इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट शब्द का जो प्रयोग किया गया, डिस्ट्रिक्ट जो है शब्द का जो प्रयोग किया गया। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जहां पर अपने व्यापारिक क्षेत्र को स्थापित किया, उन व्यापारिक क्षेत्रों के लिए वो डिस्ट्रिक्ट शब्द का जो प्रयोग किया करता था। और इसी डिस्ट्रिक्ट से जो है 1772 ईस्वी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शब्द का जो है उद्भव हुआ, इसी डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शब्द का उद्भव 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शब्द का जो उद्भव हुआ। और इसी जो है 1792 ईस्वी में जो है यह पीरियड लॉर्ड कॉर्नवालिस का आ जाता है। इन्होंने प्रशासन के बारे में काफी कुछ सुझाव दिया और इन्होंने जो है न्यायिक कार्य को पृथक कर दिया, न्यायिक कार्य को इनसे पृथक कर दिया गया और इनका काम क्या हो गया, प्रशासन हो गया और राजस्व की वसूली हो गई। और इसीलिए जो है कार्नवालिस को प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता, भारत में कार्नवालिस को प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता। क्यों? क्योंकि इनके समय में प्रशासनिक क्षेत्र में काफी कुछ सुधार हुआ और 1792 ईस्वी में न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को जो पृथक कर दिया गया। और बेसिकली कलेक्टर शब्द आज की डेट में जो है प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन अंग्रेजों के समय में इसकी जो स्थापना हुई थी वो जो है राजस्व संग्रह के लिए इस शब्द का जो है उद्भव हुआ था। इसीलिए संग्रह के कारण से इन्हें जो है कलेक्टर कहा जाता है, कलेक्टर, कलेक्ट से बना है, कलेक्ट माने संग्रह करना और कलेक्टर उसी शब्द से निकला हुआ है। तो राजस्व संग्रह, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में यहां पे प्रशासन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कर की वसूली करना था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जिले स्तर पर या एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई के रूप में जो भी हमारे प्रशासनिक ढांचे थे उसके मुखिया के रूप में कलेक्टर का जो है उद्भव हुआ था। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो प्राचीन काल से जो है यह इकाई विद्यमान थी। अब ये बात और है कि कहीं पर इसका नाम कुछ था और कहीं पर इसका नाम कुछ था, कहीं पर इसके कार्य के स्वरूप में बदलाव आया, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं जो है अस्तित्व जो है बना रहा और इस रूप में जो है आधुनिक काल में आकर के जो है इसके कार्य स्वरूप में जो काफी कुछ परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि बहुआयामी इनकी जो है इनका बहुआयामी नाम है। जैसे हम तो एक तो कलेक्टर शब्द कहा जा रहा है,
जिला अधिकारी जिलाधिकारी शब्द कहा जा रहा है। इसी तरीके से जो है जिला मजिस्ट्रेट कहा जा रहा है, उपायुक्त तो कई नाम जो है इनके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये उपायुक्त जो है आयुक्त से है, जैसे कमिश्नर जिसको बोला जाता है, और ये हो जाते हैं कौन से, डिप्टी कमिश्नर। तो कमिश्नर जो है मंडल पे बनते हैं, मंडल कई जिलों का जो है समुच्चय होता है, डिवीजन जिसको कहा जाता है। तो वहाँ पे कलेक्टर बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, तो उन्हीं कमिश्नर के जो है उप के रूप में, डिप्टी के रूप में ये जिले पे होते हैं, इसलिए इनको जो है डिप्टी कमिश्नर भी कहीं कहीं कहा जाता है। ये दब अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो सामान्यतः यहाँ पे नहीं कहा जाता है, यहाँ पे जिलाधिकारी कहा जाता है या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ये दो नाम जो है सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, लेकिन इसे ये भी कहा जा सकता है और कहा जाता है कई राज्यों में। तो कमिश्नर के जो डिप्टी के रूप में वो कमिश्नर मंडल पर होते हैं और ये जिले में होते हैं, इसलिए इन्हें जो है आयुक्त भी कहा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, तो इसलिए इनका नाम जो मजिस्ट्रेट के रूप में भी कहा जाता है। जिला अधिकारी ये पूरे जिले के सभी विभागों में जो है समन्वय स्थापित करते हैं और कर संग्रह करते हैं, इसलिए इनका नाम जो है कलेक्टर भी जो है रखा गया है। तो ये चीजें आपने देखा कि इनका बहुआयामी जो नाम हो सकता है। बेसिकली जिला जो है वो क्षेत्रीय और प्रशासनिक इकाई होती है, और जिले में केंद्र और राज्य के कई विभाग जो है अपने क्षेत्रीय इकाई के रूप में काम करते हैं, और वो क्षेत्रीय इकाई अपने विभाग के निर्देशन में काम करते हैं, लेकिन प्रशासनिक एकरूपता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहां पर जो है जिला अधिकारी जो कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं उनको जो है मुखिया के रूप में जो है बनाया गया है। यद्यपि यह एक ऐसा पद है जो कि सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से जो है भरे जाते हैं, राज्य की जो प्रशासनिक सेवाओं से जो है पदोन्नति और सीधे जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती से भी जो है आते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों ही तरीके से जो है पहुँचते हैं, लेकिन वह प्रमोशन के बाद जो वहाँ पे पहुँचते हैं और वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के संपर्क में पहुँचने के बाद ही जो है जिला अधिकारी के चार्ज पर होते हैं किसी जिले में। तो ये व्यवस्था जो है उनके बहुआयामी नामकरण को लेकर के थी। अब अगला हम देखते हैं हायरार्की, पद सोपान की व्यवस्था। पद सोपान की व्यवस्था जिले में जो है, अगर हम राजस्व और मजिस्ट्रेट दोनों ही जो है मिला जुला रूप होता है, काफी कम अंतर दिखाई पड़ता है और एक ही व्यक्ति के द्वारा दोनों ही पावर का इंटरटेन किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है, तो यहाँ पे कई बार अंतर करने में समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसीलिए जिला अधिकारी और जिला कलेक्टर ये दोनों ही जो है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शब्द जो है एक साथ में जो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर जो है वो जिला अधिकारी होते हैं। अब यही इन्हीं को जो है आप जो है डीएम भी कह सकते हैं, और इनके नीचे जो है वो एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये तहसील पे, ये जिले लेवल पे होते हैं, और ये जो है तहसील पे होते हैं। इसके नीचे यहां पे आरआई होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो कि कई गांव का एक जो समुच्चय होता है वहां पे काम करते हैं। इसके नीचे जो है लेखपाल होते हैं। ये व्यवस्थाएं जो है आती हैं यहाँ पे जो है समुच्चय के रूप में, जो है गांव के जो है समुच्चय के रूप में काम करता है, और ये जो है गांव के स्तर पर जो काम करते हैं। अभी यहाँ तहसील के स्तर पर दो और जो है अधिकारी यहाँ पे होते हैं, एक जो तहसीलदार होते हैं और दूसरे जो है नायब तहसीलदार। नायब जो है तहसीलदार होते हैं, इनका कार्य क्षेत्र और इनका कार्य क्षेत्र एक ही होता है। जिनके पास मजिस्ट्रेटिक किस्म के जो है पावर होती, जो है एसडीएम शब्द इसीलिए लिखा जाता है, ये सामान्यतः राजस्व से संबंधित, भूमि के विवाद से संबंधित इत्यादि कार्यों को मुख्य रूप से करते हैं। यद्यपि कभी कभी
इनके द्वारा भी जो है मजिस्ट्रेटी कार्य किया जाता है, और जो ये नायब तहसीलदार होते हैं ये पूरे तहसील में जो है एंटी सर्किल बनी होती है, उस सर्किल के जो है समस्त कार्यों को तहसीलदार की तरह से ही देखते हैं। तो ये जो है एक हायरार्की जिले में जो है जिला प्रशासन की दिखाई पड़ती है। तो कमोबेश लगभग जो है प्रदेशों में इसी तरीके की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती, कहीं पर इनका नाम जो है थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिला अधिकारी, तो यहाँ पे SDO उसको कह दिया जाता है, यानी सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उप जिला अधिकारी। तो इस तरीके से उसका नामकरण कहीं कहीं पर जो चेंज दिखाई पड़ता है, लेकिन कमोबेश यह नामकरण इसी के इर्द गिर्द जो है दिखाई पड़ता है। अब हम इनकी जो है विशेषताओं को देख लेते हैं। ये जो है पहले नंबर पर तो ये प्रशासनिक इकाई है, जिला प्रशासन जो है एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है, प्रशासनिक इकाई है, और इसी के माध्यम से पूरी शासन सत्ता जो है प्रशासन के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के नियम कानून और कल्याणकारी कार्यक्रमों को जो है क्रियान्वित करने का प्रयास करती है। कि बहुत भी महत्वपूर्ण मजबूत प्रशासनिक इकाई है, और लोग अपने समस्त प्रकार के कार्य जो भी विभिन्न विभागों के माध्यम से संपादित होता है वो जिले स्तर की इकाई के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे एक ऐतिहासिक निरंतरता का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और आधुनिक काल सभी में जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल था, क्योंकि किसी भी जो है केंद्रीय व्यवस्था में एक स्थान से पूरे देश को संचालित करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है और सभी कालों में जो है साम्राज्य जो है वो अपने मूल रूप में वो एक मजबूत जो है प्रशासनिक इकाई के रूप में जिला प्रशासन के अंतर्गत जो है संचालित होता रहा है। अब उसका नाम कहीं पे रज्जुक हो गया, कहीं पे सरकार हो गया, कहीं पे आकर के डिस्ट्रिक्ट हो गया, और उसके कार्यों में भी कहीं ना कहीं जो बदलाव और भूमिकाएं नजर आती रहीं, और भूमिकाएं तभी आती हैं जब उस तरीके की समस्याओं में बदलाव होता रहा है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे ऐतिहासिक निरंतरता दिखाई पड़ती है। सभी कार्यों का क्रियान्वयन, सभी कार्यों का जो है क्रियान्वयन यहां से जो है सभी कार्यों का, मतलब जिला में केवल प्रशासन ही या केवल नीतियों का ही क्रियान्वयन एक ही स्तर पर या लॉ एंड ऑर्डर या राजस्व का संग्रह ही नहीं होता है, बल्कि यहाँ कानून व्यवस्थाएं भी होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे राजस्व का संग्रह भी होता है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के कमजोर वर्गों जैसे विकलांग या दिव्यांग जिनको कहा जा रहा है, दिव्यांग वर्गों के लिए जो है जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी का पोस्ट होता है, जिसके माध्यम से उनके लिए योजनाएं संचालित की जाती हैं। गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए जो है आपूर्ति विभाग भी, जिला आपूर्ति विभाग भी होता है। इसी तरीके से शिक्षा के लिए भी यहाँ पे जो है बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी जो है अलग अलग विभाग जो है होते हैं। तो यहाँ पे सभी प्रकार के कार्यों को जो एक में समुचित करके जो है जिला प्रशासन के अंतर्गत जो संचालित करने का कार्य किया जाता है, और सभी लोग अपने जो है सरकारी कार्यों से संबंधित जो है हितों के लिए जिला पर या जिला मुख्यालय पर आते हैं, और सामान्यतः जिला मुख्यालय पर ही जो है सभी विभागों या क्षेत्रीय विभागों के क्षेत्रीय जो कार्यालयों की इकाई होती है, तो यहाँ से जो है उसका क्रियान्वयन किया जाता है। अब यह कहा जाए कि यह कड़ी के रूप में भी काम करता है। कड़ी कहाँ पे होता है? नागरिक और शासन के बीच में। कोई भी व्यक्ति कोई भी अपने कार्य के लिए जो है सीधे शासन में नहीं जाता है, वो जिले स्तर पर आता है। व्यक्ति अगर है तो ये सीधा जो है ये जिले स्तर की प्रशासनिक इकाई पर जो है विभिन्न प्रकार के विभागों के पास काम करने के लिए जाता है, और यहाँ पर चूंकि मुखिया जो है वो जिला अधिकारी होते हैं, और इनके जो है माध्यम से ये जो है शासन को जो है जो विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय इकाई होते हैं वो इनके माध्यम से यहाँ पे सूचनाएं पहुँचती हैं, और पुनः यहाँ से जो है यहाँ पे आती है, यहाँ से जो है इसके माध्यम से ये नागरिकों तक पहुँचती है। तो ये कि इसकी कड़ी है, और इस कड़ी के माध्यम से जो है सूचनाएं भी आती हैं, जनता के फीडबैक भी आते हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम भी आते हैं, उनका क्रियान्वयन भी होता है। तो ये जिला प्रशासन इस रूप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। दूसरा है प्रशासनिक नेतृत्व। प्रशासनिक नेतृत्व
इसका नेतृत्व कैसा होता है? प्रशासनिक। ये राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक नेतृत्व में अंतर है। जैसे जब देश के शासन की बात होती है या राज्य के जो है शासन की बात होती है, सरकार की बात होती है, तो वहां से नेतृत्व राजनीतिक होता है। किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है वह जो है मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जिले में इस तरीके से कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं होता, बल्कि वहां पे जो है प्रशासनिक नेतृत्व होता है, जो वहां पे जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी कि जिला अधिकारी के माध्यम से व्यक्त होता है, और इसी के साथ साथ वो कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तो जैसे आप अगर पूरे देश में जो है इकाई की बात किया जाए, तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, केंद्र केंद्र है, राज्य है और जिला है, केंद्र राज्य और जिला। तो केंद्र में जो है पीएम हो गए, राज्य में जो है वो सीएम हो गए, और जिले में डीएम हो गए। ये तीन महत्वपूर्ण पद हैं, पीएम, सीएम और डीएम। तो डीएम जो है ये प्रशासनिक किस्म का नेतृत्व करता है, जो कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं, संघ लोक सेवा के द्वारा जो है सीधी भर्ती और विभिन्न प्रकार के राज्य के प्रशासनिक सेवाओं के द्वारा जो है वो पदोन्नति से जो भरे जाते हैं। तो ये की एक व्यवस्था होती है, लेकिन ये जो है इन दोनों से पृथक होकर के ये जो प्रशासनिक नेतृत्व का निर्वहन करती है, और ऐसा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के द्वारा किया जाता है, ताकि प्रशासन में एकरूपता और उच्च स्तरीय प्रशासन की गुणवत्ता को बचाए रखना जो है संभव हो सके। तो ये हमने देखा जो है विशेषताओं के जो है संदर्भ में। अब हम जो है जिला प्रशासन या जिला अधिकारी जो कि उसका मुखिया होता है, उसकी भूमिका को देख लेते हैं। भूमिका, कर संग्रह, कर संग्रह, चूंकि ये कर संग्रह मैंने पहली बार में ही हेडिंग इसलिए डाला क्योंकि जब इनकी पद को सृजित किया गया था, पदस्थापित किया गया था, तो उस समय भी इनके पद का सृजन जो है वो राजस्व के संग्रह के लिए किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश साल काल में जो है 1772 ईस्वी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट नाम ही जो है आया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही शब्द आया था, और उनके द्वारा और उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कर का संग्रह था। तो ये कर संग्रह भी आज की डेट में भी कर संग्रह होता है, और इन्हीं के माध्यम से होता है। कर संग्रह की समय समय पर जो बैठकें होती हैं, और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि हम उस लक्ष्य को कितना प्राप्त कर पाए जो कि हमारा टारगेट निर्धारित किया गया था। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था के रूप में जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, तो जिले की कानून व्यवस्था के लिए भी जो है इन्हें उत्तरदायी माना जाता है, और वहां की सफलता के लिए इन्हें पुरस्कार, और किसी भी तरीके की जो है असफलता के लिए इन्हें उत्तरदायी माना जाता है। तो कानून और व्यवस्था इनका दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है। और तीसरा है जो है समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय, विभिन्न प्रकार के विभागों में समन्वय की बात हो रही है। जिले स्तर पर जो कि राज्य के विभिन्न प्रकार के विभागों की जो क्षेत्रीय इकाइयां होती हैं वो जिले में भी होती हैं, और वो विभाग के माध्यम से तो काम करती ही हैं। जैसे एक सेंटर हो गया, ये स्टेट हो गया, अब इसकी इकाइयां जो हैं वो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और इसी तरीके से यहाँ स्टेट में जो मुख्यालय है वहाँ पे एक जिले में जो है कई प्रकार के जो है विभाग होंगे, लेकिन इन सभी को जो है समुचित करके जो है वो डीओ के माध्यम से यानी कि जिला अधिकारी के माध्यम से इसमें समन्वय स्थापित करने का काम किया जाता है। यद्यपि ये सीधे जो है वो अपने विभाग के लिए जो है काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे समन्वय स्थापित करने के लिए, एकरूपता को बनाए रखने के लिए जिला अधिकारी उसमें समन्वय करने का काम करते हैं। समन्वय के साथ साथ सामंजस्य, सामंजस्य जैसा कि हमने ये बताया, सामंजस्य एडजस्टमेंट, सामंजस्य इस रूप में होता है कि जैसे वो कड़ी के रूप में हमने बताया काम करते हैं, उसी तरीके से जो है स्थानीय स्तर और राज्य स्तर के बीच में जो है एक ऐसी कड़ी होती है जो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। उसकी प्रतिपूर्ति यानी कि जो फीडबैक होते हैं, जो फीडबैक होते हैं प्रतिपुष्टि को जो है ऊपर भेजते हैं, और वहां से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसके माध्यम से शासन का क्रियान्वयन करते हैं। तो सामंजस्य भी स्थापित करना उनका एक महत्वपूर्ण काम होता है। आज की डेट में वो जो चुनाव करवाना है, जो कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण काम है, चुनाव के माध्यम से जनता जनादेश को अपने अभिव्यक्त करती है, जिससे सरकारें जो है स्थापित होती हैं और उनके लिए कल्याणकारी काम करते हैं। तो ये जो है
प्रत्येक जिले में जो है जिला अधिकारी ही जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं चुनाव के समय में, और वो जो है जिला अधिकारी के रूप में अपनी पावर का प्रयोग करते हैं। उनके नीचे जो है विभिन्न प्रकार के अधिकारी काम करते हैं, और इसी के लिए साथ साथ जो है आपदा के रूप में भी जो है इनका जो है महत्वपूर्ण काम होता है कि आपदा के समय में जो है जिले को जो इकाई बनाया गया है, जो हमारा अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, वहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जिले स्तर पर जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य जिले स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, और राज्य स्तर पर भी इसी तरीके से बनाया गया, तो तीनों स्तरों पर बनाया गया है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया जो कि जिला अधिकारी के नेतृत्व में काम करता है, और इसके साथ साथ जो अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम भी जो संचालित किए जाते हैं। चूंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली का ये उद्देश्य है कि शासन के द्वारा जो नीति बनाई जाए, जो कार्यक्रम बनाए जाए, उनको सही तरीके से जनता तक जो है पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके, तो ये जो है कार्य भी जिला अधिकारी के नियंत्रण मार्गदर्शन में होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है पीईटी के लिए जो एक विशेष टॉपिक निर्धारित किया गया था जिला प्रशासन, उसके जो है एक सामान्य परिचय, उसके अर्थ, उसके ऐतिहासिक विकास क्रम, उसके पद सोपानिक व्यवस्था, उसकी विशेषताएं, और मुखिया के रूप में जिला अधिकारी के विभिन्न प्रकार के बहुआयामी भूमिका से जो है हम लोग परिचित होने का जो प्रयास किए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में आपको एक समझ विकसित हुई होगी, ताकि परीक्षा में इससे पूछे जाने वाले सवालों को आप हल कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक और नए जो है हथियार और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार।